आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है द प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन। प्रोकैरियोटिक सेल नीचे दिए ऑप्शन में से क्या कंटेन नहीं करते, मतलब कौन सा ऑर्गेन भी कंटेन नहीं करते? क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स। तो अगर देखते हैं क्रोमोसोम्स, ये होते हैं जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए। कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स ये करते हैं इनहेरिट फॉर नेक्स्ट जनरेशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब इनका नाम प्रोकैरियोट्स क्यों रखा है, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस है और कोई भी ऑर्गेनली, अदर ऑर्गेनलीज, ये होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कौन सा भी ऑर्गेनली ऐसा नहीं जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो ये गलत हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कंपलसरी होता है हर एक ऑर्गेनिज्म, भले वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, तो ये प्रेजेंट होगा। और राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, भले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में ये 80S होंगे, फिर भी राइबोसोम ये प्रेजेंट होंगे, तो ये होगा सही आंसर। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में नॉट कंटेन, मतलब गलत ऑप्शन हमें ढूंढना है, और वो है ऑप्शन नंबर टू, और हमारा सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर टू, और बाकी के आंसर हो जाएंगे गलत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।